मैं सत्यम शर्मा रायबरेली से आप सबके बीच मैं राम जी के ऊपर कुछ सुनाऊंगा। ये मैंने लिखा है तकरीबन 3 साल पहले कि राम क्यों नहीं है, उनका उनसे सवाल पूछा गया कि वो नहीं है। तो पहले तो मैं कोरोना चल रहा है तो उनके चरणों में कुछ निवेदित करता हूँ कि हे पुरुषोत्तम कुमार नयन, हे जगत पिता जग के स्वामी, हे घटघट वासी, हे रघुनंदन अग्र अंतर मन के स्वामी, हे थोड़ा साथ दीजिएगा क्योंकि पहला है तो दिक्कत होगी कि हे पुरुषोत्तम कमल नयन, हे जगत पिता जग के स्वामी, हे घटघट वासी, हे रघुनंदन अगणित अंतर मन के स्वामी, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे कृपा निधान, हे अवधपति अंतर्यामी, जग की पीड़ा को हर लो, हे जगत पिता जग के स्वामी। कुछ पंक्तियां रखेंगे, उसके बाद प्रभु श्री राम पे कविता अपनी सुनाएंगे कि कहानी और किस्सों की रवानी में बड़ा दम है, कहानी और किस्सों की रवानी में बड़ा दम है, लिखो तो स्याही जाती है, लिखो तो स्याही जाती है, पढ़ो तो उम्र ही कम है। और एक ये है कि सियासत ओढ़ लेती है नए किस्से जवानी के, सियासत ओढ़ लेती है नए किस्से जवानी के, कहानी रोज गढ़ती है तवायफ सी कहानी के, कहानी रोज गढ़ती है तवायफ सी कहानी के, और शर्म आती है पर हया इनमें नहीं बाकी, शर्म आती है हमको पर हया इनमें नहीं बाकी, सियासत मार देती है नए सपने जवानी के। और ये है कि काश बेटियों के ऊपर तो लिखा है लेकिन समय नहीं है तो एक दो चार लाइनें सुनाता हूँ कि काश मैं होता नहीं होती तो मंजर और ये आलम कुछ और होता, काश मैं होता नहीं होती तो मंजर और ये आलम कुछ और होता, मैं भी समझता दर्द मुश्किल परियों की, मैं भी समझता दर्द मुश्किल परियों की, जब मैं भी किसी घर लड़का नहीं लड़की होता। और ये कि कहानी रोज कहती है मुझे किरदार दे दो बस, कहानी रोज कहती है मुझे किरदार दे दो बस, पन्ने भर गए सारे मुझे इतवार दे दो बस, कि कहानी रोज कहती है मुझे किरदार दे दो बस, पन्ने भर गए सारे मुझे इतवार दे दो बस। और एक ये सभी जो कवि हैं, जो भी लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उनके 2 लाइनें उनके लिखा है, अगर रिलेट कर पाए तो ताली से हमें बताइएगा कि कभी अल्फाज को बेचा कभी किरदार को बेचा, कभी अल्फाज को बेचा कभी किरदार को बेचा, कभी खुद को जलाया है कभी हालात को बेचा। और एक ये है माँ के ऊपर लिखा है, जो लगती ठंड मुझको है तो पल्लू को बढ़ाती है, जो लगती ठंड मुझको है तो पल्लू को बढ़ाती है, आंखें लाल हो फिर भी वो नींदों को बुझाती है, और हमें गम इस बात का है कि माँ बनती कहाँ पर है, हमें गम इस बात का है कि माँ बनती कहाँ पर है, वो भूखी हो के भी खाना जमकर खिलाती है। और थोड़ा बहुत हम भी इसे मेरे जीवन पर मत लीजिएगा तो सुनिएगा कि महीनों की रुदन ने ही मुझे पागल बनाया है, महीनों की रुदन ने ही मुझे पागल बनाया है, वो लड़की गांव की मेरी मुझे आशिक बनाया है, ओ मैं जब भी दूर जाता हूँ लिपट कर खूब रोती है, मैं जब भी दूर जाता हूँ लिपट कर खूब रोती है, यहाँ पर हूँ मगर फिर भी ये सत्यम आत्मा को छोड़ आया है। और ये है कि लड़कियां जो गांव की होती हैं सच्चा इश्क करती हैं, लड़कियां जो गांव की होती हैं सच्चा इश्क करती हैं, निभाती हैं वो रिश्तों को उन्हें महफूज रखती हैं, और नहीं आता उन्हें बाबू या सोना फ़ोन पर करना, नहीं आता उन्हें बाबू या सोना फ़ोन पर करना, वो सच्चा इश्क करती हैं मगर बीमार करती हैं। और अब मैं अपनी कविता पर आता हूँ, थोड़ा सा साथ चाहता हूँ आप लोगों का कि राम सिर्फ बस नाम नहीं है, राम सिर्फ बस नाम नहीं है, राम मेरा संकल्प सही है, राम सिर्फ बस नाम नहीं है, राम मेरा संकल्प सही है, राम नाम में जग का सार है, तुम कहते हो राम नहीं है। और ये कहके कि राम आस है जन जन का, मेरे प्रभु राम मैं उन्हीं को मानता हूँ और कोई देवी देवता मेरे लिए नहीं है, तो सुनिए कि राम आस है जन जन का, मेरे तो बस प्राण वही हैं, और राम शब्द में जग बसता है, तुम कहते हो राम नहीं है, राम शब्द में जग बसता है, तुम कहते हो राम नहीं है, जीवन का तो सार राम है व्यर्थ सभी बस राम सही है, जीवन का तो सार राम है व्यर्थ सभी बस राम सही है। और एक ये है कि नहीं राम का कोई मानक, नहीं राम का कोई मानक,
नायक राम कोई वस्तु नहीं है और राम नहीं कोई पैमाना जिसका मापन हम कर पाए। राम नहीं कोई पैमाना जिसका मापन हम कर पाए। राम अनंत है, राम अनंत है, राम शुरू है, जन जन ने ये बात कही है। राम अनंत है, राम शुरू है, जन जन ने ये बात कही। तालियों से स्वागत की कि मैं अपनी तपन से तुम्हारा बदन श्याम कर दूंगा, अपनी तपन से तुम्हारा बदन मैं श्याम कर दूंगा, तुम ताली बजाओ मैं यहीं से अपना काम कर दूंगा। तो आगे है कि राम अनंत है, राम शुरू है, जन जन ने ये बात कही है। राम भोर है, राम सांझ है, बोल रहे जो प्राण राम है। कि राम अनंत है, राम शुरू है, जन जन ने ये बात कही है। राम भोर है, राम सांझ है, जो बोल रहे वो प्राण राम है। और तीव्र धूप की छाव राम है, तुम कहते हो राम नहीं है। अरे के राम, राम सही बस राम सत्य है, राम बिना कोई सोच नहीं है। राम सही बस राम सत्य है, राम बिना कोई सोच नहीं है। कण कण में तो राम रमे है, तुम कहते हो राम नहीं है। कण कण में तो राम रमे है, तुम कहते हो राम नहीं है। कि पुरुषों में बस श्रेष्ठ राम, कि पुरुषों में बस श्रेष्ठ राम, जन जन ने ये बात कही है। और त्याग राम है जन जन का, तुम कहते हो श्री राम नहीं है। त्याग राम है जन जन का, तुम कहते हो श्री राम नहीं है। और राम शीर्ष है, राम श्रेष्ठ है, राम बिना धरती अशेष है। राम काल है, राम सृजन है, तुम कहते हो राम नहीं है। राम सृजन करता है जग के, राम प्रलयंकारी है। राम नाम से, राम नाम से सेतु बना सागर पर, राम नाम से सेतु बना सागर पर, तुम कहते हो राम नहीं है। और ये कहे कि लाज बहुत आती है छड़ छड़, कि लाज बहुत आती है छड़ छड़, तेरी शिक्षा पर मानो दो चार किताबें क्या पढ़ ली, कहते हो श्री राम नहीं है। और जिसने जीता जग को सारे, कि जिसने जीता जग को सारे, नहीं बहा वो भावों में, तूने क्या कुछ पन्ने पढ़कर कहता है श्री राम नहीं है। और ये कहे राम सेतु है सागर पर, नासा ने ये बात कही है। राम सेतु है सागर पर, नासा ने यह बात कही है। और बहुत शर्म आती है मानो जब कहते हो राम नहीं है। और राम अवध में, राम जगत में, राम अवध में, राम जगत में, सब वेदों ने बात कही है। दो चार किताबें क्या पढ़ ली, तुम कहते हो श्री राम नहीं है।